हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजिया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रजिया पर। आज हम बनाना सीखेंगे पीनट बटर आइसक्रीम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप हेवी क्रीम, या फिर व्हिपिंग क्रीम भी इसे कह सकते हो। ज़्यादातर हम इस क्रीम को केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हेवी क्रीम में कन्फ्यूज़न होते हैं और अमूल फ्रेश क्रीम उठा के ले आते हैं। यह अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है, ये हेवी क्रीम है। आप याद रखिएगा, जो हम केक बनाने के लिए क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मैं वही ले रही हूँ। इसे हमने पूरा ठंडा कर लिया है और ये आप देख सकते हो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये पूरा ये चिल्ड है। तो यहाँ पे 1 कप हमने भर के लेना है हेवी क्रीम और इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, जब तक कि ये पूरी तरह से क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। और यहाँ पे एक टिप्स आपको देना चाह रही हूँ। जब भी हम क्रीम फेंटते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अचानक से इसे हाई स्पीड में फेंटना शुरू करते हैं। तो क्रीम को कभी भी हाई स्पीड पे नहीं फेंटा जाता है। आप पहले धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाएंगे। पहले आप इसे 1 नंबर पे बीट करेंगे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। ऐसे आप 10-10 20-20 सेकेंड बाद आप अपने अपने जो बीटर का जो स्पीड है उसे आप बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आप उसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे। तो शुरू में इसे हाई स्पीड में नहीं बीट करना है। मैं पहले इसे 1 नंबर पे करूंगी, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। इस तरह से बीटर का स्पीड बढ़ाते जाऊंगी, जब तक कि ये पूरी तरह से क्रीमी ना हो जाए। ये आप देख सकते हो क्रीम जो है वो वॉल्यूम में बढ़ के थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। और ये आप देखो, इसमें इस तरह से ये सॉफ्ट पीक बन रहे हैं, मतलब कि हमारा क्रीम अब तैयार है। इसे और इससे ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है। अब हम इस क्रीम में डालेंगे 200 ml मिल्कमेड और कंडेंस मिल्क, दोनों के नाम से हम इसे जानते हैं। आप किसी भी ब्रांड का मिल्कमेड या कंडेंस मिल्क ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 200 ml डाला है और कप से नापोगे तो ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर है? उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे पीनट बटर आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इस पे हम डालेंगे पीनट बटर। तो पीनट बटर यानी कि मूंगफली से बनता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन आधा कप भर के लूंगी पीनट बटर। यहाँ पे जो मैं पीनट बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें ऑलरेडी क्रंच है, नट्स है, तो इसलिए मुझे अलग से यहाँ पे पीनट्स को चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पे, अगर आप नॉर्मल पीनट बटर ले रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा मूंगफली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हो। उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन मैं जो यहाँ पे पीनट बटर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी छोटे छोटे चंक्स हैं मूंगफली के, तो मुझे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये आप देख सकते हो थोड़ा सा ये स्टिकी है, तो मैं इसे चम्मच से ही डाल रही हूँ। अगर आप किसी चीज़ से मेज़र करते हो तो उसमें आधे से ज़्यादा चिपक ही जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से चम्मच से नाप के तकरीबन हाफ कप के करीब पीनट बटर ले रही हूँ। हम इन सभी को डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे बीट नहीं करना है, हार्डली 20 से 30 सेकेंड बीट करें, ताकि सभी चीज़ें ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये आप देखो, अब सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा सा इसमें क्रीमी सा कलर उभर के आया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेक्सचर दिखाना चाहूँगी। ये आप देखो, इसमें मूंगफली के आप देख सकते हो छोटे छोटे इसमें चंक्स हैं, और इसका ये टेक्सचर आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये क्रीमी है। और ये आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी। क्रीम को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। ये जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, अब ये हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर ली हूँ। आपके घर पे जो भी जिस साइज जिस भी शेप के कंटेनर मौजूद हैं, आप वो ले सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हमने इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से क्लिंग फिल रैप डाल के इसे कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा क्लिंग फिल रैप है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो,
नहीं है तो आप इस पे बटर पेपर भी ऊपर से लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आइसक्रीम के ऊपर जो आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब हम इसे ओवरनाइट फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए। आप चाहो तो इसे 5 से 6 घंटे फ्रीज में रख सकते हो। अभी आप देख सकते हो ओवरनाइट हमने इसे फ्रीज में रखा है। अभी आप देख सकते हो आइसक्रीम जो है वो एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब देखो बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप चाहो तो एक चाकू की मदद से इस तरह से इसके किनारे पे आप मार्किंग कर सकते हो। उससे क्या होता है कि इसका देखने में जो लुक है वो ख़राब हो जाता है। एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ इसको डिमोल्ट करने का। क्या करना है, एक कोई बड़े से बर्तन में आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लो और इसे जस्ट 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा आप इसके तली पे इस तरह से टच कराओ। जस्ट हल्का सा आप इसे इस तरह से टच कराओ, जस्ट 20 से 30 सेकंड काफ़ी रहता है। अब क्या किया हमने, सबसे पहले इसके नीचे वाले तली में हल्का सा गर्म पानी लगा लिया तो नीचे वाला पार्ट जो है वो लूज हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका जो ऊपर यहाँ पे जो किनारे हैं इसे हमने हल्का सा इस तरह से लूज कर लेना है। अब हमने इसे एक ट्रे में इस तरह से डिमोल्ड कर लेना है। ये आप देख सकते हो अब ये कितनी आसानी से ये निकल गया है। आप चाहो तो इसे एक स्कूप की मदद से निकाल के सर्व कर सकते हो, क्योंकि मैं इस आइसक्रीम को फालूदे के साथ में सर्व करूंगी इसलिए मैं इसे एक चाकू की मदद से काट रही हूँ। आप देखो कितना ज़्यादा ये क्रीमी और सिल्की है। सेम इसी तरह से मैं आपको दूसरा पीस इस तरह से काट के दिखा रही हूँ। आप देखो कितना ज़्यादा ये सिल्की और क्रीमी टेक्स्चर है इसका। अब मैं आपको एक पीस खा के दिखाना चाहूँगी। ये आप देखो इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा ये सिल्की और ये क्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। ज़रूर से दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। और भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी फ्री में देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। इससे मेरे नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।